नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। रूपाणी ने इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। राज्य में एक चुनाव से ठीक एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी यहां चेहरा बदलने जा रही है। नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। विजय रूपाणी ने इस्तीफे के बाद कहा, गुजरात की विकास यात्रा में मुझे जो योगदान का अवसर मिला उसके लिए पीएम मोदी का आभारी हूँ। गुजरात के विकास की यह यात्रा नए उत्साह और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़नी चाहिए। बीजेपी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं। अब मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है। जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं उसका निर्वहन करूंगा। स्वागत जिंदगी के लिए मयंक भोजक की रिपोर्ट। प्रदेश की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को सब्सक्राइब करें।